मामला ऐसा है कि ये जो हैं दीपक रामदास खुले और उनके पिताजी, ये हमारे यहाँ भाड़ोत्री हैं, मतलब देवर ऑन रेंट। तो उसके बाद इन्होंने भाड़ा नहीं दिया, इसलिए हम लोगों ने कोर्ट में केस डाला 2003 में कि हमें अपनी दुकान वापस चाहिए, एज एम ए डॉक्टर आई नीड इट फॉर माई बोनाफाइड रिक्वायरमेंट टू रन माई डिस्पेंसरी। तो इन्होंने ना भाड़ा भरा ना कुछ दिया, इसलिए कोर्ट अपना केस वो आगे बढ़ता गया। उसके बाद उसी बीच में इन लोगों ने एक एप्लीकेशन किया कोर्ट में कि हमारी दुकान टूट रही है, हमको रिपेयर करने का परमिशन। तो कोर्ट ने इनको रिपेयर करने का परमिशन दिया। रिपेयर करने के परमिशन में क्या होता है, जो इनको दिया था परमिशन उसके हिसाब से फ्लोरिंग बदल सकते हैं, रूफ बदल सकते हैं, दीवार को प्लास्टर कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्ट्रक्चर की जगह वो स्ट्रक्चर पूरा निकाला और नए आई बीम्स खड़े करके नया स्ट्रक्चर बनाने के लिए इन्होंने ट्राई किया। हम लोग हाई कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट ने हमको ऐसा फ्रीडम दिया कि अगर ये स्ट्रक्चर में ऑल्टरेशन करते हैं तो आपको कहीं भी जाकर इनका अपोज करने का हक है। तो हम लोग बीएमसी में गए, उनको हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाया, जो स्मॉल कॉसेस कोर्ट ने ऑर्डर इनको दिया था रिपेयरिंग का वो भी दिखाया। तो बीएमसी को चीज़ सही लगी, फोटोग्राफ्स के साथ सब हमने प्रोड्यूस किया बीएमसी में। तो बीएमसी ने आके इसका 342 के नोटिस के अंदर, 342 का इनको परमिशन मिला था, उसके बाद ये नोटिस के अंदर इनका डिमोलिशन किया पूरे इसका। उसके बाद इन्होंने स्मॉल कॉस कोर्ट में फिर एप्लीकेशन किया कि हमको पुलिस प्रोटेक्शन के साथ रिपेयर करने का परमिशन दिया जाए। तो मैंने जितने प्रूफ थे वो कोर्ट के सामने रखे, उसके बाद ये मुझे ऑर्डर मिला है जिसकी कॉपी मैंने आपको दे दी है। तो वो ऑर्डर में ऐसा लिखा है कि इनको रिपेयरिंग का परमिशन दिया तो ये कंस्ट्रक्शन करने गए, अगर फिर इनको परमिशन दिया जाएगा तो फिर ये स्ट्रक्चर में ऑल्ट्रेशन करके कुछ बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे, इसलिए इनको परमिशन नहीं देना चाहिए, ये ऑर्डर में लिखा है। अभी मामला तो कोर्ट अगर बोलेगी, इनको अगर ये कोर्ट से परमिशन लाते हैं कि हाँ भाई इन लोग रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एज अ ओनर अगर इलीगली कुछ भी करेंगे तो मैं ऑब्जेक्शन लूँगा, वो भी लीगली ऑब्जेक्शन लूँगा। अब ये ज़बरदस्ती अंदर गुंडे घुसा रहे हैं, बाकी सब चीज़ें कर रहे हैं, उससे मुझे कोई इशू नहीं है, मैं लीगली ही जाऊँगा जो करना है मुझे।